ब्रेड पकोड़ा अक्सर हम बनाते रहते हैं, आज ब्रेड पकोड़ा थोड़ा अलग तरीके का है, ये मेरे स्टाइल का है। और आज ब्रेड पकोड़े को हमने दो टाइप से बनाया, जो लोग बिल्कुल ऑयल नहीं खाना चाहते वो भी इसका एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये ज़रूर बताइए आप इन दोनों में से कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं। केक बोल लेते हैं, उसमें मैंने 5 टेबल स्पून करीब मैदा लिया है, 5 टेबल स्पून करीब आरा रोट लिया है। बाइंडिंग करने के लिए, क्रिस्पी करने के लिए बहुत बेस्ट होता है। उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई, और मैंने डाल दिया इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इसका कलर अच्छा हो, थोड़ा सा नमक। अब इसको मैं घोल रही हूँ, पर अभी बहुत ज्यादा पतला नहीं करूंगी, अभी थोड़ा सा गाढ़ा रखूंगी, हल्का गाढ़ा। आप देखेंगे आगे मेरे को कैसा चाहिए। अब इसे बनाकर एक तरफ रख देते हैं। अब हम लेते हैं पत्ता गोभी को, और इसको मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ। अभी पत्ता गोभी बहुत अच्छी मिल रही है। पत्ता गोभी को मैं कैसे कर रही हूँ ये देखिए आप, जहाँ से हम चिप्स बनाते हैं ना, वहाँ से मैं घिस रही हूँ, जैसे ये शेडेड पत्ता गोभी बन जाए। 1 कप करीब पत्ता गोभी हो गई है। अब मैं 2 गाजर ग्रेट कर लेती हूँ, 1 शिमला मिर्च को बारीक चॉप कर लेती हूँ, 2 आलू हैं जो मैं बॉयल हैं उनको मैंने छील लिया है। अब चलते हैं तैयारी करने के लिए। तो फटाफट से एक कढ़ाई रख लेते हैं, कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। तो उसमें हम पहले डाल रहे हैं 1 प्याज बारीक कटा हुआ, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने डाल दिया लहसुन अदरक और हरी मिर्ची। थोड़ा पकने के बाद मैंने इसमें सारी कटी हुई सब्जियां डाल दी हैं। अब एक छोटी कटोरी में मैंने 2 तरीके की सॉस डाली है, मेरे घर में बनी हुई थी, मतलब 1-1 चम्मच करके, ग्रीन और रेड दोनों पड़ी थी, मैंने दोनों डाल दी। अब इसमें भी कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब मैश करके दोनों आलूओं को डाल देती हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आलू के मोटे टुकड़े हो गए, उन्हें थोड़ा सा हमें मैश करना होगा, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही परफेक्ट बने। लास्ट में मैंने डाल दिया इसके ऊपर हरा धनिया। मैं पोटैटो मैशर से गैस बंद करके इसे थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, जिससे ना मुझे इस नाश्ते में ना आलू इतना मोटा मोटा नहीं चाहिए। पूरी मैं फिलिंग को निकाल लेती हूँ, जिससे वो ठंडा हो जाए। आप इसमें मनपसंद जो भी सब्जी डालना चाहें डाल सकते हैं। मेरे पास जो थी मैंने वो यूज़ की। एक और बात, मैंने इसमें चीज़ यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो इसमें ढेर सारा चीज़ भी भर सकते हैं। अब लेती हूँ यहाँ पर मैं नॉर्मल साइज़ की 8 पीस ब्रेड, उसके एजेस मुझे कट करने हैं। आप व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, ये च्वाइस आपकी है। एजेस कट करने के बाद हमें क्या करना होगा ये देख लीजिए। मैंने 1 पीस को उठाया है, पन्नी के ऊपर रखा है, और धीरे धीरे उसको बेला है। बेलने से क्या फायदा हुआ ना कि वो अच्छे से फ्लैट सी हो गई। अब चारों तरफ ये जो स्लरी है ना, ये हमने लगा दी है। चाहो तो आप पूरे ही पोर्शन में लगा दो, या तो चारों कोने में तो जरूर लगाओ। अब खूब अच्छे से ना आप इसमें फिलिंग भर दो, और फिलिंग आपको कैसे भरनी है, ट्रायंगल शेप में, जिससे जो वो ट्रायंगल शेप ऊपर का पीस बचता है ना, उसको पन्नी समेत ही उठा लीजिए और ऐसे दबा दीजिए, जिससे आपको कोई मेहनत नहीं होगी, एक बढ़िया सा शेप दे देगा, समोसे जैसा, पेटीज जैसा, और ना आपका पैक भी हो जाएगा। और जब आप बेलो ना, तो यहाँ पे एक खास ट्रिक होती है, आप धीरे धीरे पहले कोने बेलो, फिर उसके बाद बीच में बेलो। एकदम से बीच से नहीं बेला करो ब्रेड को, उससे क्या होता है बीच से अगर टूट गई ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी। आप जैसे जैसे मैं कर रही हूँ बस वैसे वैसे देखते जाइए, बस इसी तरीके से। किनारों की साइड आप जगह रखिए, जिससे आप फोल्ड करो तो आराम से वो स्लरी जो है ना आपस में चिपक जाए, और ब्रेड आपकी फिट हो जाए, बिल्कुल पैक हो जाए। जो हम पेटीज में इतनी सारी मेहनत करते हैं या समोसे में, तो ये आपकी कम मेहनत में उससे ज़्यादा टेस्टी, बहुत बढ़िया क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से मैं सारे बना रही हूँ। एक और बात, पूरी पूरी फिलिंग भी भर सकते हो आप उसमें, और उसे कट करके आप तवे पर भी रोस्ट कर सकते हो। ये तरीका तो एक दूसरा है, और एक आगे भी बताऊंगी जो 0% ऑयल में वो भी बन जाएगा। देखो कितना बढ़िया ना, ये तवे पर आप बिना ऑयल लगा कर बस तवे पर थोड़ी देर रख दीजिए, देखिए कितना क्रिस्पी बन जाता है। सुबह नाश्ते में बना सकते हैं, या बच्चों को शाम को भूख लगे, इफ्तार के टाइम चल रहे हैं, कुछ भी बनाओ, जब भी बनाओ, मतलब छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को तो कुछ ना कुछ नया खाना है, कुछ अच्छा खाना है, बस सारा दिन यही बोलते रहते हैं मम्मा कुछ अच्छा खाने को दो। कहते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे भी बच्चे जब छोटे थे ना, तब यही कहते थे मम्मा कुछ अच्छा खाने को दो। तो ये देखिए, मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया, हल्का सा बस ग्रीस किया जस्ट। अवन में मैं इसको रख देती हूँ रोस्ट करने के लिए। बस हमें सिर्फ रखना है और कुछ भी लगाना नहीं है इसमें। मैंने इसको करीब करीब 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए रख दिया है।
अब चलते हैं आगे, हमें क्रिस्पी कैसे बनाना है। ये जो स्लरी थी ना, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको घोल कर दिया, मतलब पतला घोल कर दिया। मैंने बताया था ना कि पहले मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है क्योंकि वो मुझे ब्रेड पे लगाना था। अभी मुझे इसमें डिप करना है और इसे पकौड़े की तरह करना है। अभी क्या होता है कि अक्सर हम लोग ब्रेड के जब पकौड़े बनाते हैं तो ब्रेड में होल्स होते हैं ना, उसकी वजह से वो फटाफट एक तो फ्राई हो जाती है और फटाफट ना ऑयल बहुत ले लेती है। और आप देखेंगे ना, कम से कम 3 मिनट तक ये फ्राई हुए हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, क्रिस्पी इतने अब पकते जा रहे हैं आराम से। मतलब आपको जल्दी जल्दी नहीं निकालना है ब्रेड का पकौड़ा, तो जिसकी वजह से बहुत क्रिस्पी भी हो रहा है, पैक भी हो रहा है और ये ऑयली भी नहीं हो रहा। बस शर्त ये है कि एक तो आपको अच्छे से पैक करना है, दूसरा स्लरी में जब आप डाल रहे हो तो पहले कॉर्नर डालो, उसके बाद धीरे से डिप करो। ऐसे डाल के छोड़ मत देना वरना टूट सकता है ना। बहुत बढ़िया से पकौड़े पहले भी मैंने आपको सिखाए हैं, ब्रेड के पकौड़े कई टाइप के, कैंटीन में कैसे खाते थे, उसको कट करके कैसे बनाते हैं, उन सबकी लिंक भी मैं डाल दूंगी। आप बनाइए जैसा आपका मन करे। अभी देखिए 10-12 मिनट हो चुके हैं, मैंने अवन से भी निकाले हैं, अभी मुझे थोड़े से और बेक करने हैं, मैंने 5 मिनट और सेट कर दिया है। तो जैसे नीचे की तरफ भी बढ़िया सिक गया है, ऊपर की तरफ भी सिक गया है, किनारे भी सिक गए हैं, क्रिस्पी इतना है, स्वाद उतना ही है, बस तला हुआ नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल भी फ्राई नहीं खाना है, मतलब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी तो हमें डाइटिंग पे हैं, तो आप ब्रेड अपने मन की मल्टीग्रेन ले लीजिए और इस तरीके से काफ़ी सारी फिलिंग वाला आप नाश्ता कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसे हरी मिर्च के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें एंजॉय कर सकते हैं। कैसा लगा ये नाश्ता मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।